व्यक्तिगत कारणों से आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर स्वदेश लौट चुके ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई ने इस बात पर हैरानी जताई है कि जहां एक तरफ भारत में मरीज अस्पतालों में मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएल की फ्रेंचाइजियां पैसा बहा रही है। टाई ने कहा, एक खिलाड़ी के रूप में हम सुरक्षित हैं, लेकिन क्या ये आगे सुरक्षित रहने वाला है? उन्होंने आगे कहा, ये कंपनियां और फ्रेंचाइजी इतने पैसे कैसे खर्च कर रही है, जबकि लोग असुविधाओं के चलते अस्पतालों में भर्ती भी नहीं हो पा रहे हैं। तेज गेंदबाज ने कहा, यदि इस खेल से लोगों के जीवन में तनाव दूर होता है या उन्हें इस बात की आशा देता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है और गहरी सुरंग में भी रोशनी है, तो मैं समझता हूं कि आईपीएल जारी रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी एक जैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीएल पर वो सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। बता दें कि टाई ने इसी महीने शादी की है और वे चाहते थे कि वह सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।